बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कसम खा कर कहता हूँ, सदका देने से किसी के माल में कोई कमी नहीं आती। जो शख्स जुल्म पर सब्र करे, अल्लाह उसकी इज्जत बढ़ा देता है। जो शख्स अपने आप पर मांगने का दरवाज़ा खोल ले, अल्लाह उस पर फ़कर का दरवाज़ा खोल देता है। यानी सदका इंसान के माल को घटाता नहीं, बढ़ा देता है। जुल्म पर सब्र करने वाले की इज्जत अल्लाह रब्बुल इज्जत बढ़ा देते हैं। और जो शख्स मांगने पर लग जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर फ़कर का दरवाज़ा खोल देते हैं। लिहाजा लोगों के सामने हाथ फैलाने से बेहतर है अल्लाह के सामने हाथ फैलाया जाए और मेहनत मजदूरी करके रिज़्क़े हलाल कमाया जाए। ऐसा कमाया हुआ रिज्क आपको घनी कर देता है, जबकि मांगे हुए रिज्क से आप मजीद फ़कीर होते जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमें इन बातों पर अमल करने वाला बनाए। आमीन सुमा आमीन।